हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बागवानी नॉलेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में जो पौधा आप देख रहे हैं दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत लते वाले पौधे हैं और इसमें बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस होती है दोस्तों। खुशबू की बात करें तो खुशबू आपको बहुत अच्छी मिलती है। और यह दोस्तों जो पौधा आप देख रहे हैं, ये मधुमालती का पौधा है। इसमें आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इसके काफ़ी अच्छे फूल आए हुए हैं और ये वर्ष के 12 महीने खिलने वाला सबसे बेस्ट प्लांट है। लतर प्लांट में आप इसको अपने घर में, अपने गेट के पास इसको लगा सकते हैं दोस्तों। फूल में आप देखें तो इसको 2 से 3 कलर में फूल में आपको शेडेड में मिल जाएंगे। इसको लगाना बहुत ही आसान होता है दोस्तों। ये आप किसी भी अपने नज़दीकी नर्सरी से आप इसको परचेज कर सकते हैं। काफ़ी सस्ता प्लांट होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं आती है। और शुरुआती कीमत की यदि हम बात करें तो इसमें आपकी ड्वार्फ वैरायटी का पौधा दोस्तों लगभग 60 रुपये से शुरू होकर तकरीबन 200 रुपये तक आते हैं। तो अपने बजट के अनुसार दोस्तों आप इसको खरीद सकते हैं। तो मधुमालती एक बहुत ही जो है सबसे ज़्यादा फूल खिलने वाला लतर में सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग प्लांट होता है। इसकी बेल काफ़ी लंबी होती है। यदि इसके बेल की हम बात करें दोस्तों, तो इसकी बेल को आप देख सकते हैं, ये लतर इसमें से निकलना प्रारंभ हो चुका है। बारिश के मौसम में दोस्तों इसकी बेल काफ़ी बड़ी बड़ी और लंबी हो जाती हैं। और मुख्यतः इसकी जो पत्तियां आप देख पा रहे हैं, इसकी पत्तियों का चौड़ाई बढ़ जाता है बारिश में। और गर्मियों में इसकी पत्तियों की साइज़ थोड़ा छोटी रहती है, क्योंकि गर्मी की वजह से पौधे थोड़े से सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो इसमें आप देख पा रहे हैं दोस्तों, कुछ कुछ पत्तियों की जो चौड़ाई आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी होती है। और तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये आपका एक ही प्लांट होता है। तो इसके पौधे की जो है न्यूट्रिशन के ऊपर होते हैं। पौधे जब काफ़ी हेल्दी और स्ट्रांग होते हैं तो इनकी पत्तियों में थोड़ा साइज का अंतर आता है। तो चलिए दोस्तों, आज इस पौधे को हम बताते हैं आप इसको कैसे गमले में ट्रांसप्लांट करते हैं और कैसे इसको आप अपने गमले में लगाकर आसानी से इसको आप ग्रो करा सकते हैं। मधुमालती का पौधा है, ये काफ़ी हेल्दी और स्ट्रांग हो चुका है दोस्तों। ये तकरीबन 2 साल का प्लांट है। हमने इसको लगाया हुआ था छोटे से पॉलिथीन बैग में। आप इसको देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे ब्रांचेज आपके निकल आए हुए हैं। और फूल की यदि आप बात करें तो फूल देख सकते हैं दोस्तों, इसमें फूल आना प्रारंभ हो चुका है। और इसके फूल काफ़ी अच्छे और सेंटेड, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इसको आप लगा सकते हैं और फ्रेग्रेंस के तौर पर काफ़ी अच्छा इसमें महक होती है। तो मधुमालती के जो पौधे होते हैं दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा सर्वाइव कर जाते हैं, टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। तो गर्मी हो चाहे कोई भी सीज़न हो, ऑल वेदर के लिए सबसे बेस्ट ये आपका क्रीपर प्लांट के अंतर्गत आपका चलने वाला महत्वपूर्ण पौधा होता है। और इसकी मिट्टी की यदि हम बात करें दोस्तों, कि जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें मिट्टी आपका काफ़ी हार्ड है। और ये नर्सरी में जब आप ख़रीदते हैं दोस्तों, तो नर्सरियों में पौधा आपको ऐसे ही पॉलिथीन में, काले पॉलिथीन बैग में लगा लगाया आपको मिलता है। तो जब भी आप नर्सरी से पौधा लाएं दोस्तों, तो इसके पहले गमले में ट्रांसफ़र करने से पहले आपको कुछ चीज़ों की ध्यान देने की ज़रूरत है दोस्तों। इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। यदि आप वीडियो स्किप करते हैं दोस्तों, तो जानकारी अधूरी रह सकती है, जिससे आपकी जानकारी अधूरी रहने पर आपको नुकसान हो सकता है पौधे। तो इसलिए दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले इसके पॉलिथीन बैग को हम काटेंगे। इसके लिए दोस्तों हमने इसको लिया हुआ है, ये आप कैंची ले सकते हैं, इसको आप ऐसे इसको काट सकते हैं, चाहे इसकी जगह आप ब्लेड ले लें, ब्लेड से भी आप इसको निकाल सकते हैं दोस्तों। हमने इसको, इसकी मिट्टी को, पॉलिथीन को काट के निकालना है और इस तरह इसकी पॉलिथीन को आप निकाल दें। अभी आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो पौधा है इसके रूट काफ़ी बड़े बड़े हो चुके हैं। और इस रूटों को आपको करना क्या है, ज़्यादा बड़े बड़े रूट हैं तो आप इसको कटिंग कर दें। तो दोस्तों, इससे आपको कोई पौधे के नुकसान नहीं होने वाले हैं, पौधा आपका मरता नहीं है दोस्तों। इसलिए कि जब इसको आप कटिंग करेंगे तो आसानी से गमले में आप फिट हो सकता है। और इसकी मिट्टी काफ़ी देख सकते हैं, काफ़ी हार्ड है। और ये देख सकते हैं काफ़ी लाल मिट्टी है, पूना की मिट्टी जिसको बोलते हैं महाराष्ट्र, ये वहाँ का पौधा दोस्तों, यहाँ से आते हैं, ये सब हाइब्रिड प्लांट हैं। तो वहाँ की मिट्टियों की जो
क्वालिटी होती है काफ़ी हार्ड होती है, फिर भी इसको जब भी आप अपने गमले में लगाएं तो थोड़ी थोड़ी मिट्टियों को आप क्या करें दोस्तों, हार्ड मिट्टी को आप ऐसे अच्छे से आप मिट्टी को थोड़ा सा मुलायम कर लें, काट लें और इसकी जड़ों को थोड़ा सा उभार लें, जिससे जो इसके पतले पतले जड़ हैं दोस्तों आप देख रहे हैं ये मिट्टी को आसानी से पकड़ लेते हैं। और इसको लगाने के लिए सबसे पहले दोस्तों हम एक गमला लेते हैं, मिट्टी का ये पॉट हमने लिया हुआ है और इसकी मैक्सिमम जो साइज़ होती है दोस्तों आप चाहे तो लगा सकते हैं 12 इंची 14 इंची, हमने 10 इंची का गमला लिया हुआ है। और इसकी जगह लगाते समय आप दोस्तों टिपरी का ज़रूर प्रयोग करें, ये टिपरी दोस्तों आप इसको लगाइए क्योंकि बीच गमले में जो ये आप देख सकते हैं ये होल होता है, ये होल में दोस्तों इसको पानी ज़्यादा मिट्टी निकलने ना पाए इसके लिए टिपरी का प्रयोग करें। और मिट्टी का ये टिपरी है आप इसको बीच में देख सकते हैं, आप बीच में इसको ऐसे लगा लें जिससे आपको ये फ़ायदा होगा दोस्तों, पानी आसानी से ड्रेनेज हो जाएगा और पौधे भी आपके काफ़ी अच्छे चलेंगे। तो हमने पौधे लगाने के लिए दोस्तों ये हमने गोबर की खाद ले रखा है, आप चाहे तो वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, हमने मिट्टी में ऑलरेडी मिलाया हुआ है। हम इसको गमले के पेंदी में दोस्तों इसको डालेंगे और गमले के पेंदी में हमने इसको देख सकते हैं हमने इसको डाल दिया। इसको गमले के पेंदी में डालने से दोस्तों फ़ायदा आपको ये होगा कि जो ड्रेनेज आपकी होती है वो आसानी से खुलती रहेगी, एयर का जो प्रवाह है वो आपका आसानी से बना रहेगा और गोबर की खाद जो डालने से मिट्टी को पोषण भी अच्छा मिलेगा, कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, पौधे को न्यूट्रिशन भी आपको मिलता रहेगा, जड़ों का विकास भी अच्छा होगा। और इसके बाद आप थोड़ी सी मिट्टी दोस्तों ले लें और इसके ऊपर से ऐसे आप इसको डाल लें और फिर उसके बाद जो पौधा आपने ले रखा है इस पौधे को आप इसको गमले में ऐसे फिट कर दें। फिट करने के बाद दोस्तों आप देखें गमला में आसानी से ये फिट हो जाए, तो इसके लिए जो आपका स्प्रेयर आप किनारे किनारे देखते हैं तो पौधे में जो किनारे किनारे जगह बची है गमले में तो दोस्तों इसके में आप जो मिट्टी आप तैयार किए हुए हैं इस मिट्टी को आप ऐसे आसानी से किनारे किनारे इसको भर दें। और इस मिट्टी में दोस्तों आप ध्यान रखिए कि मिट्टी में हमने जो इसको बनाया हुआ है गार्डन सॉइल, वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट और थोड़ी सी मात्रा हमने लिया हुआ है गोबर की खाद का भी, तो आप इस ऐसे आप इसको मिट्टी को तैयार कर लें। तो दोस्तों मिट्टी तैयार करने का पूरी विधि मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा कैसे आप पौधे के लिए अच्छी मिट्टी तैयार कर सकते हैं, तो वीडियो को आप दोस्तों देखते रहें, चैनल को आप देखते रहें। कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां जो मैं आपको समय समय पर दोस्तों बताता रहूंगा, तो आप देख रहे हैं दोस्तों ये हमने मिट्टी इसमें आपको भर दी है और पौधा लगभग आपका तैयार हो चुका है। और इसमें लगाने के बाद दोस्तों अब सबसे लास्ट जो हमारा कार्य है इसको लगाने के बाद आप इसमें पानी डालना ना भूलें, यदि बारिश के मौसम में आप लगाते हैं तो और भी अच्छा है, पानी देने की आवश्यकता कम पड़ेगी। और इसको जहां भी रखना है दोस्तों हल्के धूप और सेमी शेड एरिया में रखें ताकि पौधे को धूप और प्रकाश मिलता रहे, डायरेक्ट सनलाइट में अभी ना रखें, उसके बाद आप एक महीने बाद इसको डायरेक्ट सनलाइट में आप रख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।